अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमाना चाहते हो तो सोच समझ कर ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब साइबर ठग नया पैतरा निकालकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां पर सोशल मीडिया पर लाइक एंड सब्सक्राइब के माध्यम से साइबर ठगों ने एक सिविल इंजीनियर को करीब 46 लाख रुपए का चूना लगा दिया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है और उन साइबर ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले में सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये एक अशोक कुमार है, कुंडली के रहने वाले हैं बेसिकली। इन्होंने की कंप्लेंट थी 46,33,000 रुपए की, जिस पर अभियोक्ता अंकित कर लिया गया है। ये टास्क बेस्ड है, जो आजकल साइबर क्राइम जो जिस तरीके से करिए टास्क बेस्ड क्राइम किया है। किस तरह से इसको अपने जाल में फंसाया इसको पहले? इसको लाइक एंड सब्सक्राइब के स्टार्टिंग में एक छोटी अमाउंट डलवा लेते हैं, उसके बाद इसका प्रीमियम बढ़ा के मोटी अमाउंट डलवाते रहते हैं। वो लालच, तरह तरह के लालच देकर इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। क्या इसने क्या बताया कि पहले किस ठग के उसमें जाल में फंसा, किस तरह से इससे बात की गई कुछ? इनको स्टार्टिंग में तो इनके पास वर्ड से जाया है कि भाई ऐसे ऐसे टास्क है, इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपको इतने पैसे लेंगे। फिर इसको टेलीग्राम से जोड़ लेते हैं, टेलीग्राम पे फिर अकाउंट शेयर करते रहते हैं और सब्सक्राइब कराते रहते हैं। ये अमाउंट एक बार लिया गया है, अलग अलग है? ये तकरीबन 15 बार अमाउंट लिया गया है इनसे। सर, इस ठगों के जाल से बचने के लिए क्या उपाय करने? यही है, आज त्योहारी सीजन है, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने अपना ध्यान दें, अपना OTP किसी को शेयर ना करें। और जो ये चलन ही टास्क बेस्ड साइबर क्राइम चल रहा है, इससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें अपने साथियों को, अपने आसपास, और मीडिया के माध्यम से भी हम जनता से अपील करना चाहते हैं, ऐसे किसी भी लालच में ना फंसे। फिलहाल साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। वहीं सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वो इस तरह की जालसाजी में न फंसें और अपनी मेहनत की कमाई साइबर ठगों के हाथ न जाने दें। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब के स्टूडियो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।